ओके सो हाय गाइस, दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यूज़ से फोटो एडिटिंग। तो गाइस ये जो एडिटिंग है बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है। अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो तो गाइस आप लोगों को एकदम इजी स्टेप में आप एडिट कर लोगे। आप लोगों को पहले लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हार्ड एडिटिंग होगी, बट बहुत सिंपल स्टेप में मैंने इसको बनाया है। तो गाइस आप लोग बस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना एंड आपको जो है ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ आएगा, बस अगर आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हो तो ठीक है। तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना एंड जो इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा उसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग इसलिए वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना, पहले वीडियो कंप्लीट वॉच करना फिर जाकर उसको डाउनलोड करना ठीक है। एंड अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज सर वीडियो एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो। बाकी चलेगा आज किस नए वीडियो बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आप सभी को। तो आप लोग डाउनलोड कर लेना वीडियो देखने के बाद। अब आप सभी को करना क्या है गाइस, आप लोगों को जाना ऐड फोटो में एंड ऐड फोटो में जाने के बाद यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को ठीक है। यहाँ से मॉडल को ऐड कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस आप लोगों को ना एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप अपने मॉडल को ऐड करोगे तो पोज वगैरह जो है इसी तरीके का होना चाहिए। एंड जब उसको ऐड करोगे तो गाइस आप लोगों को जो कोई एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको इरेज कर लेना पहले ठीक है। जो मेरा इसमें एक्स्ट्रा पार्ट रह रहा है तो उसको आप इरेज करता हूँ फटाफट, देन बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस जैसे ही आप अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको जो यहाँ पे पहले फुल स्क्रीन करना है एंड जो ये जो रिक्शा है इसका जो हैंडल है वो आपके हैंड के पास आना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पोज में दिख रहा है आपको। तो आपको ओपोसिटी कम करके चेक कर लेना है कि वो वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अदरवाइज अगर नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ से ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। तो उसके बाद आप सभी को करना है क्या है गाइस, यहाँ पे आप सभी को फिर इरेजर टूल में जाना है एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, जो मतलब कि आपको जो साइज रिक्शे का जो हैंडल है वो आपको फ्रंट साइज फ्रंट पार्ट पे चाहिए, तो आपको जो है उसको वहाँ से इरेज कर लेना जहाँ जहाँ से वो पार्ट आ रहा हो। तो हार्डनेस को फुल रख के इरेज करना है आप सभी को। एंड गाइस ये वाला जो काम है आपको एकदम आराम आराम से करना है ठीक है, टाइम देखे क्योंकि कुछ पार्ट जो है एक्स्ट्रा भी रेज हो जाएगा तो आपको एकदम से डन नहीं करना है ठीक है। आपको जो है वहाँ पे देखना है कि अगर कोई एक्स्ट्रा पार्ट रेज हो गया होगा तो सेम चीज़ आपको रेजर टूल में जाकर हार्डनेस फुल करके ब्रश को सिलेक्ट करके आपको उसको फील करना है ठीक है। यहाँ पे जैसा भी है मतलब पहले जैसा करना है, मतलब जो हैंडल है वो फ्रंट में रहना चाहिए। तो बाकी आप आराम से करना गाइस ठीक है, अगर कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा टाइम लेती है ना गाइस तो वो ज़्यादा अच्छी बनती है ठीक है। तो आप लोग जो है टाइम वाइम लग रहा है तो कोई इसकी टेंशन मत लेना कि टाइम लग रहा है काफ़ी, तो बस आप लोग अपनी एडिटिंग पर ध्यान देना तो गाइस आपकी जो एडिटिंग वो बढ़िया ही होगी ठीक है। तो अभी हमने इतना कर लिया है तो अब इसके बाद जो है आप सभी को फ्री करना है, आप सभी को जब इतना कर लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर डन करना है। बट अभी पूरा डन नहीं करना है, आपको एक मॉडल का डुप्लीकेट ही बनाना है यहाँ पे ठीक है। एंड उसके बाद आपको उसका करना क्या गाइस, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको जो है इसको यहाँ से लेके जाना आपको इफेक्ट में। इफेक्ट में ले जाने के बाद आपको यहाँ पे कलर्स में जाना है, कलर्स में जाने के बाद आपको ब्लैक एंड वाइट में जाना है एंड इसका जो अमाउंट है इसको माइनस कर देना है एंड इसको मर्ज कर देना है, फिर नेगेटिव वाला लेना है एंड इसको भी आपको यहाँ पे डन कर देना है। फिर उसके बाद आप सभी को यहाँ पे क्या करना, आपको जाना है इरेजर टूल में, आपको इसको यहाँ से करना क्या है, आपको पहले तो है इसको पूरा रिमूव कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेना ब्रश एंड इसका जो साइज़ अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेना है एंड फोटो को जूम करना है एंड आपको जो है रिम लाइट क्रिएट करनी है अपनी पूरी बॉडी में। एंड गाइस मैं आपको जो यहाँ पे कुछ इस टाइप से सिखा रहा हूँ, अगर आपको उसको एकदम डिटेल में समझना है तो गाइस इसके ऊपर जो मैंने पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है तो उसका लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देखना, आपको उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने वहाँ पर समझाया तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आएगा, तो उस वीडियो को जरूर वॉच करना। तो बाकी यहाँ पे मैं रिम लाइट बनाता हूँ देन बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। ओके गाइस यहाँ पे हमारी रिम लाइट बन गई, तो अब बारी है शेडो की, तो शेडो के लिए हम जाएंगे ऐसे ऐड फोटो में ना बैकग्राउंड में जाके ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ऐड करेंगे एंड उसके बाद इसको ऐड करने के बाद क्या करेंगे, हम इसका जो इस साइज इसको बड़ा करेंगे एंड उसके बाद इसको मूव डाउन करेंगे एंड उसके बाद रिजल्ट टूल में जाएंगे, इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश को लेने के बाद जो आप सभी को यहाँ पे जो है नीचे पेंट करना है यानी शेडो बनाना ठीक है। तो अभी आप इस तरीके से शेडो बनाओगे तो गाइस वो भी एकदम रियलिस्टिक नहीं लगेगी क्योंकि गाइस इसमें ना अभी शेडो के लिए कमी है कुछ चीज़ें ठीक है। तो अभी हम ये ऐसे शेडो बना रहे हैं, अब इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है तो वो क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। तो जब आप इसको कर लोगे तो आपको उसकी ओपोसिटी कम करनी है एंड जो भी आपने रिम लाइट बनाई थी आप उसका एक डुप्लीकेट और बनाना है एंड इसको यहाँ पे साइड में रखना है आप सभी को। फिर इसका क्या करना है, इरेजर टूल में जाना है, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद जिसको आपको पूरा फिल कर देना है ठीक है। एंड बाकी जो पहले का जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो भी आ गया बट उससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं ठीक है, उसका हमें कोई काम ही नहीं है। तो आप हम इसको डन करते हैं एंड इसको हम सेम साइज में वैसे ही रख देंगे। फिर उसके बाद इसको हम लेके चलेंगे ऐसे एफएक्स में दोबारा
फिर वही सेम कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको जो ये नेगेटिव वाला था जो, ठीक है, आपको सिंपली इसको ले लेना है एंड इसको यहाँ पे उसको डन करना है। अभी देखिएगा जी, हमने ब्लेंडिंग मोड इसका स्क्रीन कर रखा था इसलिए वो गायब हो गया, तो अभी हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं। अब उसके बाद आपको करना है क्या, इरेजर टूल में जाना, आपको इरेजर लेना है, आपको पूरा जितना भी सिस्टम है सबको रिमूव कर देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए करना क्या, आपको ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद जो इसका साइज इंक्रीज करना है, ओपेसिटी हार्डनेस कम करना है, फोटो को जूम करना है, एंड आपको पैरों के साइड में जो है पेंट करना है, मतलब पैरों के साइड में एक रिम लाइट क्रिएट करनी है ब्लैक कलर की। इससे क्या होगा कि शेडो जो है ना आपकी वो उससे मैच हो जाएगी आपके पैरों से, ठीक है, इस तरीके से, तो एकदम एक रियलिस्टिक वाला फील आएगा, ठीक है, आपकी फोटो में। तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी बढ़िया लग रही है यहाँ पे फोटो। तो अभी हम इसको डन कर लेते हैं। अब इतना हो जाने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, अभी इसमें तो है जो कि हमारा यहाँ पे पिक्सार्ट का काम हो जाता है, तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं एंड इसको लाइट रूम ऐप में लेके चलते हैं, ठीक है। तो लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आपको पहले जाना है इस लाइट वाले ऑप्शन में, इसका जो कॉन्ट्रास्ट है पहले इसको इंक्रीज करना है, ठीक है, एंड जो हाईलाइट है हाईलाइट को जहाँ पे इंक्रीज रखना है, ठीक है, तो जब भी वो ग्लो हो जाएगा ना थोड़ा सा, तब शेडो जो है इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे माइनस की तरफ रखेंगे एंड जो ब्लैक है इसको भी कम करेंगे एंड जो वाइट इसको इंक्रीज़ कर लेंगे। फिर जाएंगे हम ऐसे कलर्स में, वाइब्रेशन बढ़ाएंगे एंड जो टेम्परेचर इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। फिर उसके बाद मिक्स में जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ से ऑरेंज कलर्स लेंगे एंड इसका जो लूमिनस है हम उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से सैचुरेशन माइनस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ से जलेंगे सीधा ब्लू कलर में। फिर उसके बाद जो इसका लूमिनस माइनस कर देंगे थोड़ा सा एंड बाकी परफेक्ट है। अभी यहाँ से डन करते हैं, फिर जाएंगे नीचे वाले टूल में, यहाँ से हम पहले क्लियरिटी बढ़ाएंगे एंड विगनेट डाल देंगे इसमें, विगनेट तो जरूरी है इस फोटो में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से क्या करना, अब और कोई हमें सिस्टम छोड़ना नहीं है, यहाँ से जाना नीचे वाले टूल में, यहाँ पे शार्पनेस बढ़ाएंगे, नोट ऑप्शन बढ़ा देंगे एंड जो कलर नोट ऑप्शन हम इसको भी बढ़ा देंगे। तो गाइस फाइनली अब देख सकते हैं हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।